हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, इस वक्त हम रेलवे भर्ती बोर्ड्स की साइट पे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और रेलवे में जो ग्रुप डी के लिए बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली थी, बहुत सारे पद आने वाले थे, 62,907 पद, उनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आ गया है। तो चलिए आइए देख लेते हैं डिटेल में कि क्या है क्वालिफिकेशन, एज क्या है और भी बहुत कुछ, कितने पद, किस पद के लिए, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज, कितने पद हैं। तो आप देख ही रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे पीडीएफ फाइल है, तो इसका लिंक मैं डाल दूंगी, तो आप आराम से देख लीजिएगा इसे डाउनलोड करके वहां पे जाके। तो भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड्स का है, देखिए केंद्रीकृत रोजगार सूचना जो है, और सातवें आपका जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर एक में विभिन्न पदों पर भर्ती हो रही है। तो देखिए जो प्रकाशन तिथि है वो आज की डेट है, 10/2 पे नोटिफिकेशन आया है। आज से आप फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और जो अंतिम तिथि है वो 12/3 यानी 12 मार्च जो है लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। और फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भरे जाएंगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ऑनलाइन अप्लाई करना होगा आपको। कंप्यूटर आधारित टेस्ट एग्ज़ाम का मोड क्या है, तो देखिए ऑनलाइन मोड है, ऑनलाइन आपके एग्ज़ाम्स होने हैं, सबसे पहली बात, जिसे हम CBT बोलते हैं, कंप्यूटर आधारित टेस्ट होना है। और यहाँ पे संभावित अनुसूची अप्रैल तथा मई में, यानी अप्रैल या मई में एग्ज़ाम होने की संभावना है कि शायद अप्रैल या मई में आपके एग्ज़ाम्स हों। तो चलिए ये देख लेते हैं कि वेतन मैट्रिक्स के स्तर एक के विभिन्न पदों के भर्ती के लिए जो अहर अभ्यर्थी हैं वो ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं उनसे, और विविध रूप से पूरी तरह से भरे हुए आवेदन पत्र जो है 12/3/2018 को जो है, यानी 12 मार्च 2018 तक लिए जाएंगे, और केवल ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाने, यानी केवल ऑनलाइन ही भरे जाने हैं। चलिए आइए और कुछ देख लेते हैं। चलिए महत्वपूर्ण निर्देश देख लेते हैं। देखिए महत्वपूर्ण निर्देश में यही है कि जो आवेदन कर रहे हैं उनको इस चीज़ के लिए सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जो अंतिम तिथि तक पद है, पदों के लिए निर्धारित प्रत्येक योग्यता प्राप्त या पात्रताएं पूरी करते हो, यानी जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए आपके पास। और मेन इम्पॉर्टेंट बात एक ये है कि जैसा भी कयास लगाया जा रहा था कि इसमें सभी लोग जो है, जो इस समय एग्ज़ाम में बैठे हैं उनका रिजल्ट नहीं आया है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के लिए परिणाम की प्रतीक्षा करने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन ना करें। तो जो क्वालिफिकेशन दिया है वो आपके पास होना जरूरी है। और चलिए देख लेते हैं कि जो आपकी RRB है, जो आपकी रेलवे भर्ती बोर्ड है, उसके जो सभी पदों के लिए केवल एक ही आवेदन किया जाना है और एक ही रेलवे भर्ती बोर्ड में आवेदन करना जरूरी है, इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। और एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवार को अयोग्य एवं वर्जित माना जाएगा, यानी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में दिए गए जानकारी के आधार पर ही अभ्यर्थी की पात्रता पर विचार किया जाएगा, यानी आपको आवेदन ऑनलाइन ही करने हैं, डाक से किसी और चीज से भेजने की आपको जरूरत नहीं है। और भी बहुत सी चीज़ें आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं इसका लिंक डाल दूंगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं, अगर वेतन की बात की जाए कि वेतन मान कितना है, देखिए तो आपका जो सातवें केंद्रीय वेतन आयोग वेतन मैट्रिक्स के स्तर पर जो वेतन मान है वो 18,000 रुपये है, एवं जो भी आपको DA, TA और DS जो भी मिलते हैं या होम अलाउंस जो भी मिलते हैं वो सभी आपको दिए जाएंगे, जो भी आपका पोस्ट पद होगा उसके अनुसार। अगर आयु की बात की जाए तो जो उम्र सीमा है वो 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 31 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो एज रिलैक्सेशन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलते हैं वो भी आपको दिए जाएंगे, जो अभी आप नीचे इसमें देखेंगे। अगर परीक्षा की बात की जाए तो देखिए जो परीक्षा है वो कंप्यूटर आधारित परीक्षा है, यानी ऑनलाइन एग्जाम्स आपके होने हैं, और जो इसमें क्वालिफाई करेगा इस एग्ज़ाम को उसको शारीरिक दक्षता परीक्षण उत्तीर्ण करना होगा, यानी इसको क्वालिफाई करने के बाद आपको एक शारीरिक जो दक्षता परीक्षण है उसको भी क्वालिफाई करना होगा। और कंप्यूटर आधारित परीक्षा परीक्षा के अंकों का मानकीकरण किया जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो है निगेटिव मार्किंग का, तो देखिए ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है और उसमें गलत उत्तरों के लिए निगेटिव मार्किंग की जाएगी, तो इस बात का आप विशेष ख्याल रखिएगा। जो भी प्रश्न है उसके लिए निर्धारित अंकों में से 1/3 अंक उत्तर गलत उत्तर के लिए काट दिए जाएंगे, यानी निगेटिव मार्किंग इसमें है, जो आपको ध्यान देना होगा इस चीज़ का जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। और भी जो भी इसमें इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं वो वही होते हैं जो हर एक एग्ज़ाम में दिए जाते हैं, तो आप इन्हें देख लीजिएगा।
तो आप यहाँ पे देख रहे हैं तो आप इसे देख लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे पीडीएफ का लिंक रहेगा तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो फॉर्म भरने के पहले एक बार इस पीडीएफ को ज़रूर पढ़िएगा, जो भी इस नोटिफिकेशन आया उसे एक बार ज़रूर देखिएगा। चलिए अब मेन देख लेते हैं, रिक्तियाँ यानी कितने पद हैं, किस जोन के लिए, कितने कहाँ के लिए हैं, जो मेन इम्पॉर्टेंट है। तो रेलवे भर्ती बोर्ड बार रेलवे बार रिक्तियाँ जो हैं यानी कि जोन बाय जोन आपके इसमें पद दिए हुए हैं कहाँ पे कितना है। तो अगर हम फर्स्ट देखते हैं अहमदाबाद का, तो देखिए अहमदाबाद जो आपका पश्चिम रेलवे है अहमदाबाद में, वहाँ पे अनारक्षित अनरिजर्व जो है उसके लिए 3056 वैकेंसीज पद खाली है। अनुसूचित जाति की बात करें तो 901 है, अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 477 है, अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 1653 पद खाली हैं। कुल जो है 6087 पद हैं। भूतपूर्व सैनिक और CCA और BHL और OHA जो भी इनकी भी हैं तो इनको भी आप देख लीजिएगा, तो स्क्रीन के सामने आपका है आप देख लीजिए। इसी तरह अजमेर है, इलाहाबाद है, बेंगलोर है, भोपाल है। भोपाल की बात करें तो पश्चिम मध्य रेलवे में भोपाल में आपके लिए अनारक्षित के लिए 1772 है, और उसी तरह से अनुसूचित जाति के लिए 493 है, 296 जो है अनुसूचित जनजाति के लिए, 961 जो है पिछड़ा वर्ग के लिए, कुल जो है 522 वैकेंसीज है पद हैं, तो देख लीजिए। इसी तरह से भुवनेश्वर के लिए भी है, बिलासपुर के लिए भी है, चंडीगढ़ के लिए भी है। गोरखपुर का देख लीजिए, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, पटना, रांची और सिकंदराबाद, इन सभी में वैकेंसीज है तो आप इनको देख लीजिएगा। और दिव्यांग व्यक्तियों की रिक्तियों का जो बैकलॉग है वो भी यहाँ पे आप देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए पदों के लिए चिकित्सा मानक देख लेते हैं, तो जो लोग या जो जिनका रिटन टेस्ट पहले होना उसको क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें, न्यू वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और उसे सेव करें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईजी से अवेलेबल हो जाए। थैंक यू। के लिए जो दस्तावेज है उसके सत्यापन के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों को अपेक्षित चिकित्सा योग्यता परीक्षा जो है उसको उत्तीर्ण करना जरूरी होगा। तो उसके संबंध में यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि चिकित्सा मानक जो है A2 और B1, B2, C1 दिया हुआ है। तो A2 में जो आपका आता है शारीरिक तौर पर पूर्णतः स्वस्थ होना जरूरी है, तो उसी में दृष्टि शीर्षता दिया है यानी आँखों का जो टेस्ट होना है वो आपका होना है यहाँ पे, तो ये भी आप देख लीजिएगा। दूरदृष्टि, निकट दृष्टि का जो भी मान होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है लेंस के लिए, तो ये आप देख लीजिए। चलिए अब राष्ट्रीयता की बात कर लेते हैं कि कहाँ का नागरिक होना चाहिए, तो निम्नलिखित में से किसी एक का होना चाहिए, से भारत का नागरिक होना चाहिए अथवा नेपाल का मूल निवासी, भूटान का मूल निवासी या फिर तिब्बत शरणार्थी जो भारत में 1 जनवरी 1962 से पूरा स्थायी रूप से निवास करने की मंशा से यहाँ पे आए हों या रह रहे हैं। आयु सीमा वही है 18 से 31 वर्ष, कम से कम 18, ज़्यादा से ज़्यादा 31 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो गणना की जाती है वो 1/7/2018 पर गणना की जाएगी। चलिए एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं, जो छूट दी जाती है, तो देखिए यहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, अन्य पिछड़ा वर्ग जो गैर क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसी तरह से आप देख लीजिए यहाँ पे सबके लिए दिया हुआ है किसके लिए कितनी छूट दी जाएगी। तो एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो उम्मीदवार जो फॉर्म अप्लाई करते हैं उन लोगों को जो जन्म तिथि दी जाती है किसके मध्य होनी चाहिए, इन तो जैसे अगर हम देखते हैं आय समूह 18 से 31 के लिए, तो यहाँ पे अनारक्षित यानी सामान्य के लिए 2/7/1987 से पहले नहीं होनी चाहिए। इसी तरह अन्य पिछड़े वर्ग में जो गैर क्रिमी लेयर में आते हैं उनको 2/7/1984, और इसी तरह अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनके लिए 2/7/1982, और सभी समुदाय श्रेणियों के लिए 1/7/2000। तो चलिए क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, शैक्षणिक योग्यता है क्या। तो देखिए इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो जिन पदों के लिए आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे उनकी अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त बोर्ड या NCVT या NCVT से SCVT से प्राप्त शैक्षणिक तकनीकी योग्यताएं उम्मीदवार के पास होनी चाहिए। यदि आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, लास्ट डेट से आपका 13-12 मार्च है, तो उसके पहले जो है आपका रिजल्ट आ जाना बहुत ज़रूरी है। यदि आप ये कोर्स कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन आपके पास जो नहीं है और आप कर रहे हैं, लेकिन यदि आपका रिजल्ट नहीं आ पाया है तो आप
को आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यानी जिनका निर्धारित शैक्षणिक तकनीकी योग्यता के अंतिम परिणाम प्रशिक्षित है वो उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते हैं। यदि आपने अभी एग्जाम दिया है और आपका रिजल्ट नहीं आया है लास्ट डेट तक, जो लास्ट डेट है आवेदन करने की, तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से एक और चीज़ देख लेते हैं कि कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप अथवा ITI के स्थान पर इंजीनियरिंग डिप्लोमा जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसी तरह कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप के स्थान पर ग्रेजुएट एक्ट अप्रेंटिसशिप जो है वो भी स्वीकार नहीं की जाएगी। चलिए परीक्षा शुल्क देख लेते हैं कि फीस कितनी है। तो अगर फीस की बात करते हैं तो फीस देखिए इसमें दिया हुआ है कि क्रम दो में उल्लिखित छूट प्राप्त वर्ग के अलावा अन्य सभी वर्ग, पहले क्रम दो को अगर देख लेते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति और भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग व्यक्ति, महिलाएं और जो विपरीत लिंगी, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग जो हैं, उन लोगों की जो फीस है वो 250 रुपये होगी। यानी जो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जो अनारक्षित श्रेणी में आते हैं अनरिजर्व कैटेगरी में, उनकी जो फीस है वो 500 रुपये होगी, और उसके अलावा जो है उनकी जो फीस है 250 रुपये होगी। ये भी देख लीजिए शुल्क के भुगतान का माध्यम, किस माध्यम से आपको फीस जमा करनी है। तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के उपयोग से, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा जो है 12 मार्च को आप जो है 10 बजे तक जो शुल्क है यानी फीस जो है ऑनलाइन भुगतान करना है कर सकते हैं। और ऑफलाइन के लिए भी भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा से कर सकते हैं, SBI बैंक चालान के माध्यम से, और किसी भी कंप्यूटर के डाक घर में से भी आप 10/3 यानी 10 मार्च को 1 बजे तक पोस्ट ऑफिस चालान भुगतान कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं भर्ती प्रक्रिया क्या है। तो भर्ती प्रक्रिया के लिए देखिए कि जो रेलवे भर्ती बोर्ड की कार्यालयीन वेबसाइट पर प्रावधान लिंक द्वारा जो आपने जिस भी जोन से फॉर्म अप्लाई किया है वहाँ से केवल एक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना है आपको। और दूसरी बात यह है कि भर्ती की जो पूर्ण प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण, तो दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शामिल होगी। ऑनलाइन एग्जाम होंगे, रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बाद आप उसको क्वालिफाई करेंगे, तो उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी दस्तावेज सत्यापन जो होता है वो किया जाएगा। इसी तरह कंप्यूटर आधारित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षण, दस्तावेज सत्यापन या अतिरिक्त क्रियाकलाप के लिए तिथि समय जो भी है, जो भी जहाँ पे होना है, वो रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा और आपको सूचना जो है वो दे दी जाएगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा ऑनलाइन जो एग्जाम्स आपके होने हैं, तो सिलेबस देख लेते हैं कि कितने मिनट का क्या क्वेश्चन, कितने मिनट के पेपर होने हैं और कितने क्वेश्चन आने हैं, कितने नंबर के आने हैं और आपका सिलेबस क्या होगा। तो देखिए अगर कुल अवधि की बात की जाए तो 90 मिनट। तो चलिए देख लेते हैं, देखिए जो कुल अवधि है वो 90 मिनट की होगी। प्रश्नों की जो संख्या है वो 100 प्रश्न होंगे और जो विभिन्न वर्ग के अंकों के न्यूनतम प्रतिशत जो पाता है पास होने के लिए जो चाहिए, तो देखिए जो अनारक्षित हैं जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 40% है, जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए 30% है, अनुसूचित जाति के लिए 30 है और अनुसूचित जनजाति के लिए भी 30% ही है। यानी अन्य पिछड़े वर्ग OBC ST SC के लिए 30% और अनरिजर्व में जो आते हैं उनके लिए 40% है। और जो भी है वो आप देख रहे हैं। इसी तरह देखिए प्रश्न का जो तरीका, पाठ्यक्रम, सिलेबस क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और इसमें सबसे पहला सिलेबस में आपका मैथ यानी गणित है और आप देख ही रहे हैं मैथ में, देख लीजिए जो कुछ आना है, जो ऑलवेज एग्जामों में पूछा जाता है वही है, तो आप ये देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए मैथ के बाद सामान्य बुद्धिमत्ता तथा तर्क शक्ति, रीजनिंग के भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो ये आप देख लीजिए। इसके बाद सामान्य विज्ञान यानी साइंस, जनरल साइंस के भी क्वेश्चंस आएंगे। जो स्तर वो होगा वो 10वीं का ही होगा कि 10वीं स्तर के पाठ्यक्रम के भौतिकी, रसायन तथा जैविक विज्ञान इसमें शामिल होगा आपका साइंस में, यानी 10वीं के जो क्वेश्चन हैं वो आपके पूछे जाएंगे। और एक GK आपका है जो सामायिकी पर, जो सामान्य ज्ञान है, जागरूकता विज्ञान, प्रौद्योगिकी, जो खेल कूद, संस्कृत, व्यक्ति विशेष, दर्शन, अर्थशास्त्र, ये सब चीज़ें आपके GK में पूछी जाएंगे। शारीरिक परीक्षण PT जो होता है वो भी देख लीजिए क्या है, पुरुष के लिए ये है और महिला उम्मीदवार के लिए ये है, तो आप इसमें देख लीजिए। और एक ही मेन चीज़ है, देख लीजिए आवेदन कैसे करने में है। तो उम्मीदवार को कोई एक RRB जिस जोन से आप भर रहे हैं कि रिक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन भरना है,
फॉर्म कैसे भरना है ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, डिटेल्स दिया हुआ है, तो प्लीज़ आप इसे देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका लिंक मैं डाल दूंगी पीडीएफ का, तो आप देख लीजिएगा। और शैक्षणिक योग्यताएं भी इसमें देख लेते हैं, चलिए कि मेन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, रिक्त तालिका यानी कि जो रेलवे वार रिक्तियों का विवरण यहाँ पे दिया हुआ है जोन बाय जोन। तो जैसे आप देख रहे हैं अहमदाबाद पश्चिम रेलवे के लिए, तो हेल्पर इलेक्ट्रिकल के लिए कितनी कहाँ पे किसके लिए कितने पद हैं, उसी तरह हेल्पर इलेक्ट्रिकल सामान्य सेवाएं, हेल्पर इलेक्ट्रिकल पावर के लिए है। तो बहुत कुछ है, इसे आप देख लीजिए। और पीडीएफ फाइल रहेगी तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक मैं दे दूँगी। इस तरह उत्तर पश्चिम रेलवे अजमेर के लिए है, किसके लिए कितने पद का नाम दिया हुआ है, कितनी संख्याएं हैं, किस पद के लिए कितने हैं, तो ये देख लीजिएगा। उत्तर पश्चिम इलाहाबाद का देख लीजिए, उत्तर मध्य रेलवे है, पद का नाम है और रिक्तियों की संख्या है। इसी तरह इलाहाबाद के बाद आप बेंगलुरु दक्षिण पश्चिम रेलवे देख लीजिए, भोपाल पश्चिम मध्य रेलवे देख लीजिए, और इसी तरह से भुवनेश्वर का है, तो आप ये देख लीजिएगा। बॉम्बे है, फिर पटना है आपका, और इसके बाद रांची है, सिकंदराबाद है। तो फ्रेंड्स ये था रेलवे में जो आई है ग्रुप डी के लिए, ढेर सारे पद हैं आपके, 62,907 पद हैं। तो ये था पूरा उसका विवरण। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। चैनल के यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।